यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन की अगुवाई में 10 लाख बैंक कर्मचारी और बैंक के अन्य अधिकारियों द्वारा वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर हड़ताल की गई है। इसी हड़ताल के चलते पंजाब के जालंधर शहर में सभी बैंक कर्मचारियों ने अपनी मांगों की पूर्ति हेतु अमृत लाल की अध्यक्षता में एक रोष मार्च निकाला। इस दौरान बैंक कर्मचारियों का कहना है कि सरकार द्वारा किया गया वेतन समझौता 31 अक्टूबर को खत्म हो गया है, जिसके बाद 1 नवंबर से सरकार द्वारा वेतन में वृद्धि की जानी थी, लेकिन प्रशासन द्वारा वो नहीं किया गया, जिसके चलते ये हड़ताल की गई है। कर्मचारियों ने कहा कि बढ़ती महंगाई के इस दौर में उनके द्वारा की जा रही ये मांग बिल्कुल उचित है, इसलिए उनकी ओर से सरकार से अपील की जा रही है कि वह जल्द से जल्द ये वेतन समझौता कर लें। यदि ऐसा नहीं होता तो कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जा सकते हैं। ये हिंदुस्तान के 10 लाख बैंक कर्मचारी और बैंक अधिकारी अपनी मंगां नूं लैके हड़ताल ते हन। बैंक मुलाजमान का वेतन समझौता 1 नवंबर 2007 नूं होया सी, जिहड़ा कि 31 अक्टूबर 2012 नूं खत्म हो गया। सो 1 नवंबर 2012 तो साडियां तनखाहां दे विच वाधा होना सी, जिहड़ा कि नहीं किया गया। असी 25% वाधे की मंग कर रहे सी, अते सरकार ने जबकि सिर्फ 11% वाधा करना मन्या सी। असी 25% की मंग नूं 23% दे ले आंदा, पर सरकार जिहड़ी आ उह 11% तो अगे वधण नूं तैयार नहीं है। अज इन्नी महंगाई है, इनफ्लेशन है, सिक्के का पसार है, उहदे तहत जिहड़ियां असली उजरतां है उहदी कीमत दिन ब दिन घटदी जा रही है।